हाई एंड वेलकम टू द फाइनल वर्ड्स वीडियो सेशंस ऑफ दर्स कंप्लीस ऑफ द डिस्कट मैथमैटिक्स द डिस्क्रिक्ट इस्ट्रक्चर मैं हूँ फाद हुसैन और इस वीडियो का मकसद कोर्स की कंप्लीट आउटलाइन को uh, दोबारा से रिकॉल करना है इन अ फॉर्म ऑफ दी जो सेशंस हमने कवर किया है किन किन बुक्स को हमने यूज़ किया किस तरह से आप प्ले लिस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ़ दर्स विच यू आर गोइंग टू लर्न और यू हैव ऑलरेडी लर्न ओके तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी और ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं तो फादुसैैन सी ए सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में जहाँ पर हमने लिए और स्ट्रेस को कवर किया हुआ वहाँ पर ये कंप्लीट डिस्क्रिड स्ट्रक्चर और डिस्क्रिड मैथ्स का प्लेलिस्ट मौजूद है इसे मैंने सेपरेट टैब पर ओपन कर लिया है तो जब होपफुली आप ये वीडियो देख रहे हो तो 130 अराउंड यहाँ पर वीडियो होगी जो कि कंप्लीट कोर्स है एक एक चैप्टर्स के एक एक टॉपिक को मैंने कोशिश किया है कवर करने की तो अकॉर्डिंग टू अ टॉपिक आप यहाँ से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं जो कि लेसन नंबर पर मैंने डिस्कस किया हुआ है और डायरेक्टली उन वीडियोज़ को देख सकते हैं तो जो बुक्स हैं जो फर्दर मटेरियल है वो अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर फादुरसैन सी पर आने के बाद वो मटेरियल तमाम जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है तो एज अ टेक्स बुक्स जो मैंने फ्राम द स्टार्टिंग इस्तेमाल की है और मैं हर वीडियो पे ही ये चीज़ें कॉल कर रहा होता हूँ कैन ए टैच रोजन की बुक डिस्क्रीट मैथ्स एंड इट्स एप्लीकेशन को जो इंटरनेशनल लेवल पे एज अ टेक्स बुक इस्तेमाल होती है इसके अलावा जितने भी बुक्स हैं वो एज अ रेफरेंस मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि रोइजन की बुक को अगर आप फ्राम वन टू थर्टीन चैप्टर पढ़ते हैं तो नॉट ओनली इन अ फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिक्स मैथ्स आप टॉपिक को कवर करते हैं बट इन इन अ सेंस ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट रिसर्च फॉर्म पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं तो इन बुक्स के अंदर जो चैप्टर थर्टीन थे जो हमने तमाम डिस्कस किया आ, सबसे पहला जो चैप्टर था इसमें आ, हमने देखा कि इन अ फॉर्म ऑफ दी फाउंडेशन लॉजिक्स एंड प्रोपोजिशन क्या था ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये डिस्क्रेट मैथ्स का इम्पॉटेंट हार्ट है ठीक है क्योंकि अगर आप चैप्टर वन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक्स को किस तरह से उसमें क्वान्टिफायर बनते हैं पर्डिगेट्स बनते हैं रूल्स क्या हैं तो आप बहुत से अच्छी तरीके से आने वाले अदर चैप्टर्स को भी आ, समझ सकेंगे फिर अगर मैं इंडेक्स पर डायरेक्टली आऊँ तो ये चीज़ें हमें रिकॉल करना थोड़ा सा आसान रहेगा तो सबसे पहला चैप्टर जो कि मैंने बताया कि फाउंडेशन लॉजिक प्रूफ्स था फिर हमने उसके बाद फंक्शंस देखे सिक्वेंसिस मैट्रिक्स फॉर्म देखा फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है फिर अगोर्थम्स चैप्टर थ्री के अंदर हमने डिस्कस किया नंबर थ्यूरी एंड किप्टोग्राफी दैट्स अन अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक एक चीज़ें हमने इसमें समझने की पूरी कोशिश की इंडक्शन एंड रिकर्जन चैप्टर फाइव था काउंटिंग चैप्टर सिक्स था फिर डिस्क्रीट प्रॉबीबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हमने जानी अलगोथम और डिस्क्रीट क्योंकि एक सेपरेट कोर्स के साथ होता है यही वजह है कि बुक्स में इन अ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहीं तो वो उस पर मौजूद हैं Uh, फिर हमने चैप्टर एट के अंदर एडवांस काउंटिंग टेक्निक्स देखे डिवाइड एंड करकर्न अलगोर्थम रिकर्जन या रिकर्सिव रिलेशन ये सारी चीज़ें हमने जानी एक एक टॉपिक्स प्ले के अंदर मौजूद है चैप्टर नाइन रिलेशन का था जहाँ पर हमने फंक्शन को दोबारा रिकॉल किया कि फंक्शन और रिलेशन में क्या फ़र्क है क्या सिमिलैरिटीज़ है फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ग्राफ एंड्री दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और फ्रॉम द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथ्स की बात करते हैं तो ये वो तमाम टॉपिक्स को कवर करता है जो मैथ्स के ब्रांचेस में से जहाँ जहाँ डिस्क्रीट का डेटा मौजूद था या डिस्क्रीट का कॉन्टेंट होता है तो यही वजह ग्राफ एंड थ्री को इन डेप्थ हमने डिस्कस किया चैप्टर ट्वेल्व बुलियन अलज्रा का था ये भी हमने जाना एंड द लास्ट वन इज़ अ मॉडलिंग कंप्यूटेशन जिसमें हमने ऑटोमेटा थ्योरी या थ्री ऑफ द कॉम्पिटिशन को जाना ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स हमने कवर किए अकॉर्डिंग टू द रिजन बुक जहाँ जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी थी या कॉम्प्लेक्स रहीं वहाँ पर मैंने एज अ रेफरेंस बुक इस्तेमाल की डिस्क्रीट मैथ्स विद एप्लीकेशंस को ठीक है ये भी हमने स्टार्टिंग की वीडियो पर डिस्कस किया हुआ था और द लास्ट बुक डिस्क्रीट मैथ्स ऑफ दी शॉम सीरीज़ मैंने यहाँ पर एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया तो ये एक लॉन्ग जर्नी अपने अख्तिताम को पहुँची और एक एक चीज़ें जो बुक्स में मौजूद थी और बेस्ड ऑन द टॉपिक वो चीज़ें इसमें कवर की गई आई एम प्रटी श्योर अबाउट दैट कि आप किसी भी लेवल पर डिस्क्रीट मैथ्स को पढ़ रहे हो या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम सी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कम्प्लीट प्ले जो कि वन प्लस पीडियो सेशनस का है ये आपके लिए प्योरली यूज़फुल है किसी भी मैनर पर इधर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एम या फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो तो आ, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी कंटेंट को सर्च करेंगे टॉपिक के रिस्पेक्ट से क्योंकि जिस तरह हमने रोजन बुक पर देखा कि अगर मैं किसी भी चैप्टर पर रफली आता हूँ तो ये टॉपिक को डिवाइड करता है चैप्टर के टाइटल uh, के रिस्पेक्ट से यानी टाइटल फोर है टॉपिक का चैप्टर नंबर तो उसके टाइटल्स बनेंगे फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट टू तो जो टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद है आप डायरेक्टली उसके नेम से भी सर्च करके यहाँ पर मेरे प्ले से देख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दर्स आउट लाइन सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं तो एक लॉन्ग जर्नी अपने अख्तितम को पहुँची और इसके बाद ही हम एक इम्पॉर्टेंट कोर्स की तरफ भी जंप कर रहे हैं जो कि हमारे कैलकुलस का होगा और इस बेस पर मैं समझता हूँ हम uh, कैलकुलस के साथ ट्रिग्रामेटिक के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे इस तरह से हमारा ये प्ले जो कि मैंने बिहाइंड द ई आई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग या डेटा स्ट्रक्चर्स uh, या डेटा साइंस के लिए बनाई थी वो यहाँ पर एंड हो जाएगा कैलकुलस का एक प्ले लिस्ट यहाँ पर एड हो गया अकॉर्डिंग टू योर योर रिक्वायरमेंट तो एक न्यू जर्नी हम स्टार्ट करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें मोटिवेशन रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि जब सब्सक्राइबर आते हैं व्यूज़ आते हैं लाइक्स आते हैं तो एक मोटिवेशन रहती है जिसके ब्याह पर मैं नई चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकता हूँ तो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच इसी तरह से जुड़े रहें द नेक्स्ट कोर्स इज़ अ कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री टू डिस्कस अबाउट वट्स आर द बिहाइंड एआई तो फर्स्ट वीडियो सेशन पर उसके मिलेंगे सही उदया थैंक यू